मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल सुपर ग्रीन संसार में दोस्तों, आज वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं ये प्रकृति का पूरा नजारा। दोस्तों, मैं आज अपने छत की पूरी लोकेशन आपको फिर से दिखा रहा हूँ। दिखाने का एक मुख्य कारण ये भी है, आप लोग को दोस्तों जागरूक करना। यहाँ से दोस्तों मेरे पूरे गार्डन का, छत के गार्डन का पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, जमीन नहीं थी, खेत नहीं था, फिर भी जुनून था, और उस जुनून के तहत मैंने अपने छत पे पूरी बागवानी तैयार कर दी है। आप लोग भी देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने छत पे कितना ढेर सारा फूल और पौधे लगा दिया है, और ख़ास तौर पे ड्रैगन फ्रूट तो दोस्तों मैंने काफ़ी तादाद मात्रा में लगाया है। और दोस्तों, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग दोस्तों प्रकृति की तरफ झुकाव रखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक मिसाल साबित होंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो पेड़ पौधे के गुण और उनके लाभ को नहीं समझ पा रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरी आपकी गुजारिश है, आप अपने घर में प्रकृति का पूरा वातावरण बनाइए, पेड़ पौधे लगाइए। आप अपने बच्चों को समझाइए कि बच्चे ये कितना महत्वपूर्ण होते हैं पेड़ पौधे हमारे जीवन में। दोस्तों, मेरे पास ना जमीन थी ना खेत था, और फिर भी मुझको पौधे से बहुत प्रेम था। पौधे से प्रेम होने का एक कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि जब इंसान अपने जीवन में जीवन जीता है, और जीवन के पश्चात जब वो शरीर त्याग करता है, वो मरता है, इंसान जब मर जाता है तो अपने पीछे कम से कम 5 क्विंटल लकड़ी लेके जाता है। यही संदेश मैं आप दोस्तों से बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। 5 क्विंटल लकड़ी के लेके जाता है, और तेज़ी से हमारे विश्व में, हमारे भारत में तेज़ी से पेड़ घट रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कम से कम आप अपने बर्थडे वाले दिन कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं। हर बर्थडे अपने बच्चों को प्रेरित करें कि जब आपका जन्मदिन हो तो आप कहीं भी नर्सरी में जाएं, सस्ता पेड़ खरीदें, कोई भी पेड़ खरीदें, आम का खरीदें, नीम का खरीदें, कोई भी पेड़ खरीदें, और कहीं जंगल में जाके उसको शिफ्ट कर दीजिए, लगा दीजिए, और कुछ दिन उसकी देखभाल कर लीजिए। तो दोस्तों, क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो हरियाली का काम करेगी, और कम से कम ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आप जब जानते हैं कि कोरोना के टाइम कितना लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी, मारामारी हो गया था। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम कुछ न कुछ सबक उनको दे के जाइए, क्योंकि ये जो संदेश हम आपको दे रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी संदेश है दोस्तों। प्रकृति की निगाह से ये बहुत ही ज़रूरी है पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पेड़ पौधे से आप विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि हमको ये फल फूल ऑक्सीजन सब कुछ देते हैं, लकड़ी देते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सा फूल गार्डन में खिला हुआ है, जब आते हैं देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को बताएं और इसके गुण समझाएं। दोस्तों, अपने चैनल पे हम प्रकृति की हर वो एक चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपकी पहुंच से दूर है, या तो आप उसको नहीं समझ पाते हैं, और जैसे नहीं समझ पाते उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हमने अपनी छत पे ढेर सारा ड्रैगन फ्रूट लगा दिया है। दोस्तों, लगाने का एक मकसद ये भी है, कारण है कि जब कोरोना के टाइम और डेंगू के टाइम लोगों में इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से घटे थे, तो उसी समय डॉक्टर ड्रैगन फ्रूट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया था कि आप मरीज को ड्रैगन फ्रूट खिलाइए, उससे उनकी ताकत बढ़ेगी। जब इसके बारे में मैंने पता किया तो हकीकत में ये फ्रूट विश्व के 12 सुपर फूड में आता है। इसमें ना शुगर होता है, ना कोलेस्ट्रॉल होता है, बल्कि और ये शरीर को मेंटेन करता है दोस्तों। तो मेरी निगाह से ड्रैगन फ्रूट आप अपने छत पे ज़रूर लगाओ, और लोगों को भी प्रेरित करें, लोगों को समझाएं कि ड्रैगन फ्रूट
लगाने से कई लाभ होते हैं। ड्रैगन फ्रूट का जो फल होता है खून बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बहुत ही तेज से ये बढ़ाता है। तो दोस्तों आप भी हमारी तरह ड्रैगन फ्रूट लगाइए, और इसके बारे में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा संदेश था आप लोगों के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको प्राकृतिक के तहत अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, बना के आपके सामने पेश करते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली आप मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों चलता हूँ, बाय बाय।